गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज अपना लेक्चर नंबर 4 है अकाउंट्स में। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें करी थी अपने पास, जिसमें था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। एक प्रोसेस थी अकाउंट्स की कि अपने कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ठीक है। आज अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और अकाउंट्स के अंदर बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई अकाउंट्स में किस किस तरह के नाम यूज़ किए जाएंगे, उनका क्या यूज़ है अकाउंट्स में, ठीक है। सिर्फ अपन उसकी बात करेंगे तो कुछ नाम थोड़े से अजीबोगरीब हो सकते हैं, बाकी बातें उतनी ही सिंपल जितने नाम डिफिकल्ट लगेंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें अगर तो ट्रांजेक्शन। अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो क्या है? ट्रांजेक्शन है भाई। एक ट्रांजेक्शन होगा तभी, और अकाउंट्स का अगर मैंने सिंपली मतलब आपको बताया तो क्या था अकाउंट्स का सिंपल मतलब क्या था? कि किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, लिखना, वहाँ से शुरुआत होती है अकाउंट्स की। तो बेटा हम रिकॉर्ड किसको करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन होता क्या है? ये एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। किस लिए? फॉर गुड्स, या तो गुड्स का मतलब बताऊँ क्या होता है, फॉर गुड्स या फिर सर्विसेज, तो किसी भी वजह से दो पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है, गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है सामान, जो सामान अपन बेचते हैं, खरीदते हैं, जिस बिजनेस में अपन डील कर रहे हैं। मैं आपके सामने अगर एग्जांपल लूँ, अभी ट्रांजैक्शन को अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एग्जांपल लूँ भाई, किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, क्या है? फर्नीचर का बिजनेस है। तो मेरी बात सुना ध्यान से। अब ये हमारे पास क्या है? उस फर्नीचर की प्रमाइसेज है जिसका नाम है फर्नीचर मार्ट। क्या नाम है? फर्नीचर मार्ट। देखो ना, इस तरह का नाम कोई, यहां से अपन सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, ये अपनी दुकान है, मतलब सिंपल सी बात ये है। तो हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर? हम इसमें करेंगे सर, हम फर्नीचर खरीदेंगे, परचेज करेंगे। किस चीज का? बोले फर्नीचर का परचेस करेंगे, ठीक बात है। और यहाँ पे लाके उसको रखेंगे और फिर यहाँ से अपन उसको सेल कर देंगे, सेल कर देंगे। मेन काम तो अपना यही होता है, मेन काम तो अपना यही होता है कि भाई अपन फर्नीचर परचेस करो और उसको मार्केट में ले जा करके सेल कर दो, ठीक है। इसके बीच में और क्या क्या चलता है? इसके बीच में और चलता है क्या बेटा? हम अपने पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी पेमेंट करते हैं कि हाँ सर करते हैं। ये जो प्रमाइसेस है इसका रेंट भी तो जाएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल जाएगा भाई। यहाँ पर लाइटिंग जल रही है, आपको एसी में बैठने की बड़ी आदत है, एसी के अलावा तो बैठते नहीं हो आप, चाहे से कमाई ना हो रही हो भले बिजनेस में, तो उसका बिल भी तो आएगा। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी तो भरोगे आप। तो इसी तरह से आप क्या है, पूरा बिजनेस को मैनेज करोगे, ठीक है। आपका मेन काम क्या है? परचेज करना, सेल करना, इस तरह से। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं यहाँ बिजनेस में खड़ा हूँ आज, तो भाई मैं जो परचेज कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। अगर मैं किसी से काम लेकर के सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए ट्रांजैक्शन है। रेंट का पेमेंट करना भी ट्रांजैक्शन है, बिल का पेमेंट करना भी ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से जहाँ पर भी मैं कोई लेन देन कर रहा हूँ, किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, किसी से पेमेंट ले रहा हूँ, गुड्स का सेल करना, लाना ले जाना, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, क्योंकि दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, या तो गुड्स को लाने ले जाने के लिए, जैसे कि मैंने बोला फर्नीचर को परचेस करना गुड्स है, सेल करना भी गुड्स है, और फिर मैंने बोला था सर्विसेज के लिए। तो बेटा सर्विस का मतलब क्या? किसी की सेवाएँ, किसी से सर्विस लेना। फॉर एग्जाम्पल सैलरी बेस पर जो बंदा काम करता है वो आपको कुछ गुड्स बेच के नहीं जाता,
वो बैठ के दिन भर काम कर रहा है और उस बात के पैसे लेता है, वो अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, तो उसके लिए आप पेमेंट करोगे उसको, ठीक है, तो सर्विसेज के लिए पेमेंट करना। तो ये सिंपल वर्ड्स में अगर अपन बात करें, फिर धीरे धीरे अपन से और आगे बढ़ेंगे। सिंपली अगर अपन बात करें तो क्या है ट्रांजेक्शन का मतलब, ये है आपका, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक और बात, अकाउंट्स में बिजनेस की बातें करेंगे बेटा, घर की बात नहीं करेंगे। घर की बात मैंने शुरू शुरू में करके समझा देना आपको थोड़ी सी कि ठीक है। अब मेन बात क्या आती है कि सर ट्रांजेक्शन हमको समझ में आ गया, लेकिन हमारा जो मेन काम है अकाउंट्स में वो तो क्या है, रिकॉर्ड करना है। तो बेटा रिकॉर्ड हम किसको करेंगे, जिन ट्रांजेक्शन को, ध्यान देना जरा, जिन ट्रांजेक्शन को मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो फिर रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है ये देखना जरा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक अभी अपने फर्नीचर का एग्जांपल लिया था एक जस्ट, कि फर्नीचर का है, तो मैं आपसे कहूँ कि आप 10 टेबल 50 चेयर, ये दो चीज़ें मान लो आप, ये दो चीज़ें आपने परचेज की हैं, क्या करी हैं, परचेज करी है, ठीक है, कि हाँ सर हमने दो चीज़ें परचेज करी हैं। तो बेटा जब ये दो चीज़ें आपने परचेज करी हैं, 10 टेबल और 50 चेयर, इन चेयर और टेबल आपने परचेज कर ली, मैं आपसे कहता हूँ आप इसको अपने पास बुक्स में रिकॉर्ड कर दो भाई। ट्रांजेक्शन तो हो गया ना भाई, ट्रांजेक्शन तो हो गया, आपने परचेस किया है, मैंने कहा परचेस करो, ट्रांजेक्शन हो गया, हो गया सर, बिल्कुल हो गया, उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। अब आपके सामने एक दिक्कत आने वाली है, क्या दिक्कत आने वाली है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, मैंने बोला 10 टेबल और 50 चेयर लेके आया हूँ, उसको रिकॉर्ड कर दो आप। आपके सामने बड़ी परेशानी आ जाएगी, आप क्या कहोगे, सर मैं रिकॉर्ड तो कर दूँ, लेकिन आपके मुँह से एक बात निकलेगी क्या, कि सर इसकी पैसे कितने हुए इसकी, वो बताओ आप, मनी कितनी हुई, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूंगा तो लिखूंगा ना बेटा इतने रुपए का सामान है, मैं लिखूंगा इतने रुपए का सामान है, तभी तो मैंने कहा था ना, तभी तो मैं क्लासिफाई कर पाऊंगा, तभी तो मैं समरी बना करके प्रॉफिट लॉस निकाल पाऊंगा। अगर मुझे सिर्फ आइटम पता है और उस आइटम का क्या नहीं पता, मनी नहीं पता, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्या नहीं रिकॉर्ड कर सकता। इसीलिए यहाँ पर एक बात कही गई है, क्या, कि जिन आइटम्स को, जिन ट्रांजेक्शन को, या फिर जिन आइटम्स को मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से आइटम वाइज डिटेल देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी मनी भी बतानी पड़ेगी। और एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी मनी तो अपन पता कर सकते हैं ना बेटा मार्केट में, कि कितने का लेके आया, बिल दिखा तो आपको पता लग जाएगा, हो गया, वो तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल था। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऐसा मैंने सुना है, मुझे कन्फर्म तो नहीं है, कि हड़ताल, जापान की हड़ताल और यहाँ की हड़ताल में फ़र्क है। मुझे एक बात बताओ, आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में हड़ताल हो गई, ठीक है, हड़ताल हो गई, तो हड़ताल होने की वजह से वो कंपनी 3 दिन तक बंद रही, तो उस हड़ताल की वजह से कितना नुकसान हुआ, क्या उसको एग्जैक्टली पैसे में मेजर कर सकते हैं क्या, हम एग्जैक्टली पैसे में मेजर कर सकते हैं क्या, हम उसको एग्जैक्टली पैसे में मेजर नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने हड़ताल करी है और 3 दिन तक कंपनी बंद रही है, तो वो किसी तरह का, पहली बात तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, और अगर हुआ भी है तो हम उसको यहाँ से ऐसे पर आइटम के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसके अमाउंट नहीं निकाल सकते, तो उसको मनी की टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ, आपको बात समझ आ गई कि पूरी, अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आइटम्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन आइटम्स को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ उन्हीं को रिकॉर्ड करूँगा, बाकी को रिकॉर्ड नहीं करूँगा। एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है, तो अपन ये जो अपना अगला जो पॉइंट है
एक्रुअल कॉन्सेप्ट, इस पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप आज सिर्फ इतना पढ़ लेना, अपन इसके बाद कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।